राष्ट्रीय गौ रक्षा महासंघ के कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रोहन मेहरा की अगुवाई में एक मीटिंग की गई। इस मौके पर डॉक्टर रोहन मेहरा ने बताया कि वर्ष 2016 में जब अकाली दल भाजपा सरकार द्वारा गौ सेस शुरू किया गया था, तब पंजाब में 516 के करीब नई गौशाला खोलने का प्रावधान रखा गया था, जिसमें सड़कों पर घूम रही बेसहारा गौ माता को उन गौशालाओं में रखा जाना था। फिर 2017 में सरकार बदल जाने के बाद ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया, लेकिन गौ सेस पंजाब में रेगुलर शुरू हो चुका था, जिसे हर महीने करोड़ों रुपए सरकार के खाते में जाते हैं। इसलिए उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से अपील की है कि पंजाब के सभी शहरों में हजारों बेसहारा पशु जो सड़कों पर घूम रहे हैं, उनके लिए भी जगह दी जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस समय बेसहारा पशुओं को है, क्योंकि इनकी वजह से लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही है और बेजुबान भी दिन रात मर रहे हैं। तो वहीं उन्होंने अमृतसर शहर में 100 एकड़ के करीब गौशाला बनाई जाने की मांग की। इस अवसर पर राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हनी मेहरा, अजय शिंगारी, संजीव शर्मा, देव पांडे, राजीव पल, राजन, ईशान नैयर, ध्रुव मेहरा, शिवम सोनी, अनु शर्मा भी मौजूद रहे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। असी मान सरकार नूं एक अपील करना चाहते हैं कि पुरानिया सरकारां ने जदों इह कौसा शुरू किया ही तो एक वादा किया कि 516 के करीब जिहड़ियां गौशाला पूरे पंजाब के वख-वख शहरां दे विच खोलियां जाणगियां, लेकिन पुरानियां सरकारां ने हाले तक कोई भी वादा जिहड़ा पूरा नहीं किया। असीं उन्हां दे विरोध दे विच बहुत सारे जिहड़े रोस प्रदर्शन भी किए, लेकिन ਤੁਹਾਡੀ जदों सरकार आई असीं बड़ी उम्मीदां दे नाल सारे पशु प्रेमियों ने गऊ भगतां ने वोटां पाईआं सीगियां, ते सानूं सुणन दे विच आया कि तुसीं कुछ दिन पहला एक अनाउंस किया कि 100 एकड़ की जमीन अमृतसर दे विच तुसीं एक सैलीब्रेशन पॉइंट जिहड़ा बनाउण जा रहे हो, बहुत ही वधिया गल है, लेकिन जिहड़ा पंजाब दे विच कॉसेस इकट्ठा हो रहा वै वख-वख डिपार्टमेंटां वल्लों, उन्हां पैसे की यूटिलाइजेशन करके वरतों करके तुसीं पंजाब दे सारे शहरां दे विच 100-100 एकड़ की जिहड़ी जमीन ते गौशाला जिहड़ी खोली जाए। बरनाला के शहर तपा मंडी क्षेत्र के महान तपस्वी और सिद्ध पुरुष श्री श्री 108 संत बाबा इंद्रदास जी महाराज की 42वीं पुण्यतिथि बरनाला बठिंडा मुख्य मार्ग पर स्थित उनके तप स्थान पर मनाई गई। इसी उपलक्ष्य में शनिवार रात को मां भगवती की चौकी सजाई गई। इस मौके पर हिमाचल के ज्वालामुखी से पहुंची प्रसिद्ध जागरण मंडली के सौरभ और संजीव शर्मा ने अपने साथियों सहित भगवती माता का गुणगान कर उपस्थित सभी भक्तजनों को भाव विभोर कर दिया। शहर के समाज सेवी नरेश गर्ग की ओर से ज्योति पूजन करवाया गया और भगवती माता की आरती की गई। इस मौके पर भक्तों के लिए प्रसाद की सेवा पंजाब महावीर दल तपा की ओर से की गई। इस मौके पर डेरे के मौजूद संचालक संत बाबा भगवान दास सहित अन्य संतजन भी उपस्थित रहे। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। श्री गुरु रविदास मंदिर कटड़ा मोहल्ला बस्ती दानिशमंदा जालंधर में संक्रांति का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मंदिर की स्त्री सत्संग सभा की ओर से कीर्तन कर माहौल को भक्तिमय रूप प्रदान किया गया। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान एवं पार्षद मदन लाल खिंदर ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर उप प्रधान राकेश लोच, उप प्रधान प्रदीप कुमार थापा, अनुराग खिंदर, उप चेयरमैन स्वर्ण यादव, सचिव सतपाल पाला, महेश अंगुराल, ओम प्रकाश लोच, तरसेम लाल कलरूपिया, मदन लाल वसन, चमन लाल, राजकुमार जसम, रमेश कुमार दीवान चंद, अमरनाथ भंडारी, बलबीर लोच, स्त्री सत्संग सभा की प्रधान दयावंती, सचिव कृष्णा देवी, रानी लोच, उषा लोच, सुमन लोच, राजरानी खिंदर, बेबी डालिया, शोभा मीनिया, सावित्री देवी, कौशल्या बब्बो, अरुणा लोच सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। गुरु घर की इसी सभा पास असं सारे ने शब्द कीर्तन का आनंद माणिया। सो गुरु प्यारी सत्संग की अच्छ संग्रांत का पवित्र दिहाड़ा है। सारिया ही संगत सतगुरु रविदास महाराज के चरणों में विराजमान हैं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करने वास्ते गुरु घर से पहुंचे हैं।
ਅੱਜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਆਦਮੀ ਚਮਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਸੰਗਰਾਮ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋ ਪਸੂ ਮਹੀਨਾ ਚੜਿਆ ਹੈ ਨਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਜਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੰਗਰਾਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅੱਸੂ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਅੱਸੂ ਮਹੀਨਾ ਐਸਾ ਸੁਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਸੂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਫੀ ਤਰਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਠੰਡ ਨਾ ਗਰਮੀ, ਸੁਭਾਵਨਾ ਮੌਕੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਰਤਨਾ ਘਲੋਜ ਰਤਨਾ ਘਲੋਜ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਗਏ, ਜੈਨ ਸਭਾ ਗਏ, ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਚਲੋ, ਪਿਆਰ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੋ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਪਾਰਕੋਂ ਕੇ ਸੌਂਦਰਯੀਕਰਨ ਕੋ ਲੇਕਰ नगर निगम की बागवानी टीम की ओर से विशेष मुहिम चलाई गई है, जिसके चलते बागवानी टीम ने जालंधर के वार्ड नंबर 62 के सिद्ध मोहल्ला में पूर्व पार्षद दीपक शारदा की अध्यक्षता में पार्कों के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया। इस दौरान उन्होंने पार्कों में उगी जड़ी बूटी व अन्य पेड़ पौधों को काटकर पार्कों की सफाई की। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। मैं दीपक शारदा पार्क पार्षद, मैं धन्यवाद करता कॉर्पोरेशन की सारी टीम का जो बाबे सोढ़ल के मेले में लैके सारी बड़ी हुम हुमा के लगी है। हर साल की तरह जो कॉर्पोरेशन सरकार सेवा करती है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता सारे प्रशासन का जो आके समय सर अपन ड्यूटियां लैके जो भी एक्सट्रा कटिंग आ हूँ जिदा कल एमरजेंसी के पेड़ डिगया सी, तो फटाफट अज ही इन्हों की टीम सारी आ के पेड़ की कटिंग करके सारा क्लीयर करता साथ में भी, तो साडे हरि प्रसाद जी साडे एस डी साहब दा जी सारे आके टीमां लगियां वा। और मैं इन्हों का फिर तो तह दिलों धन्यवाद करदा भी इन्होंने मेले के किसी प्रकार की प्रशासन ने कमी नहीं रहन देनी और आईया संगत आन बाबे सोढ़ल के दर्शन करन और अपनी आसा ते मरादा पूरिया करन। भगवान वाल्मीकि मंदिर कमेटी अर्जुन नगर की ओर से नवनिर्मित मंदिर में भगवान वाल्मीकि जी की महाराज जी की मूर्ति स्थापित की गई। इस दौरान चेयरमैन राजकुमार राजू की अध्यक्षता में मूर्ति स्थापना हेतु भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। मूर्ति स्थापना से पहले भगवान वाल्मीकि जी महाराज की पवित्र मूर्ति सहित नगर की परिक्रमा की गई और पूरे विधि विधान सहित हवन यज्ञ करवाया गया। पूजा आरती करते हुए जयकारों सहित भगवान वाल्मीकि जी महाराज की मूर्ति स्थापित की गई। इस मौके पर प्रधान पंकज सोहोता, राजेश भट्टी, चंदन गरेवाल, गुरशरण सिंह टक्कर, हरविंदर सिंह पप्पू, मुनीश बाबा, एसके कल्याण, बॉबी जोशी, विकास हंस, अनिल हंस, भारत बत्रा, पार्षद ध्यानचंद, मनोज नन्ना, प्रदीप चीकू, हनी सोहोता, सूरज गौतम ऋषि सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। अंत में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। आज असी अर्जन नगर चाली क्वार्टर भगवान वाल्मीकि जी की मूर्ति स्थापना की है। पहला सवेरे उठ के मूर्ति की परिक्रमा की है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਰਜਨ ਨਗਰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਡਵਾਈ ਰੋਡ ਤਾਈਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਤਾਈਂ ਮੂਰਤੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
उस तो बाद हमन जग मूर्ति ने इनान कराया, हमन जग कराया, फिर लंगर का आयोजन किया। साढ़े महला निवासियों ने सारे ने लेडीज मेरिया बीबिया भैन सारिया के नाल रल के मूर्ति स्थापना की, इनान कराया बाबा जी ने, और सारे महल वाले बहुत खुश आ। और मैं मंदिर बनते मूर्ति स्थापना बनते सारियां लख लख बधाई देना, मेरे वालों मेरे परिवार वालों जिन्हें भी मेरे यार दोस्त आए आ भरा उन्होंने मैं बहुत बहुत बधाइया देना। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। नवयुवक सेवा सोसाइटी की ओर से 57वीं महामाईकी चौकी मोहल्ला नंबर 2125 जालंधर छावनी में बड़ी ही श्रद्धाभाव से करवाई गई। इस मौके पर प्रसिद्ध भजन गायक सुमित रानू और शशि शाहिद ने महामाई की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर प्रधान प्रदीप कुमार चीकू, उपाध्यक्ष भरत बत्रा, चेयरमैन बाबा मोहिंदर सिंह, गिरीश कुमार मोंगिया, मुल्खराज परमजीत बसरा, ललित कुमार लाडी, दिनेश तिलक, राज शर्मा, लक्की सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। महला नंबर 21 और 25 कर रहे हैं, मेरे वालों सारे कार्यकर्ता जो इस आयोजन से लगे ने, आयोजन समिति के प्रधान सारे सबनों बहुत बहुत बधाई। महामाई इन्होंने सारे के सपने पूरे करें, महामाई इन्होंने आशीर्वाद बनाई रखे, इस तरह ही देश धर्म की सेवा वास्ते काम करते रहन। नवयुवक सेवा सोसाइटी की ओर से वार्षिक जागरण करवाया जा रहा है, इसमें सारी संगत और जो भी बीवी वीआईपी से आए हुए हैं मैं सबका धन्यवाद करता हूं, और अपनी तरफ से अपनी नवयुवक सेवा सोसाइटी की तरफ से सबका धन्यवाद। जय माता। आज नवयुवक सेवा सोसाइटी वालों महला नंबर 21 ते 25 के दौरान 57 57वां जेड़ा के सारी जनता को पता है कि 57वां जागरण महाराणी का होंदा रहा, और अज कुछ मौसम के कारण और प्लस अजकल के माहौल के कारण असी जो जागरण एक चौंकी के रूप से तब्दील किया है, और ये जी चौंकी है अर्ध रात्रि तक चलेगी। सारी जनता को बेनती है कि सारे कट्ठे होकर आओ और महाराणी के दर्शन करो। महाराणी का पावन स्वरूप इस दरबार से आ गया है, इस करके बेनती है सारे जने इकट्ठे होके महारानी के दर्शन करो। फिरोजपुर में श्री राधे परिवार की तरफ से धार्मिक समागम का आयोजन किया गया। इस समागम में वृंदावन से पूनम दीदी विशेष तौर पर पहुंची, जिन्होंने अपनी मधुर स्वर लहरियों से प्रभु भजनों और कथा के माध्यम से भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान पंडाल को खूबसूरत रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। श्री राधा कृष्ण जी के इस धार्मिक समागम में लोगों ने हजारों की गिनती में आकर लाभ लिया। श्री राधे परिवार की तरफ से अटूट लंगर का भी प्रबंध किया गया। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। मेरी आशा
सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन प्रांगण में दिल्ली से देवा गगन माँ विशेष रूप से माथा टेकने के लिए पहुंची। इस दौरान उन्होंने माँ के पावन दरबार में माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया, जिन्हें मंदिर प्रबंधक कमेटी के सदस्यों की ओर से विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर साईं मधु शाह जालंधर वाले भी उनके साथ मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में मासिक संक्रांति के अवसर पर लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर के सेवादारों की ओर से आए हुए भक्तों में ये लंगर वितरित किया गया। इस अवसर पर असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। जय माता दी। आज बड़ा खुशी का दिन है, संक्रांति का पवित्र दिहाड़ा है और अभी कोशिश करते हैं कि संक्रांति वाले दिन पवित्र दिहाड़ी वाले दिन संगत को वध तो वध लंगर की सेवा की जाए। और उस उपलक्ष के अज महामाई का भंडारा लगा है। राज्य प्रबंधक कमेटी प्रधान चीतरवीर जी और सैकटरी साहब और कैशियर साहब सारे की प्रेरणा है ताकि संगत की वध तो वध सेवा हो सके। इस करके असी हर संक्रांत के संक्रांत शाम को 5 बजे लंगर की सेवा के हाजिर होंगे। जय माता। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायकों ने मां की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कैशियर पविंदर बहल, लेखक रमेश चौंकी, साधु राम कालिया, सेवादार मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, कपिल सहगल और विनोद शर्मा ने भजन पार्टियों को मंदिर का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई। इस भजन संध्या में प्रसिद्ध पार्टियों ने मां की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर नरेंद्र सहजपाल, योगेश्वर शर्मा, अशोक सोबती, चंद्रमोहन ढींगरा, दिनेश सागर ने भजन पार्टियों को माँ की चुनरी देकर सम्मानित किया। उनके साथ अशोक शीतल, राजकुमार सहगल, संजीव साहनी, अजय राजन, चीनू सहगल, रमन ढल्ला, मनमोहन चड्डा, नरेंद्र शर्मा, वरिंदर शांत, लकी, राजेंद्र कपूर सहित मां भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान सदस्यों द्वारा बताया कि राज योग ध्यान द्वारा सर्व समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। इस दौरान अलग अलग प्रयोगों और योगिक क्रियाओं को दर्शाती प्रदर्शनी द्वारा लोगों को योग से जुड़ने हेतु प्रेरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। ईश्वरीय विश्वविद्यालय आदर्श नगर वालों हर इतवार को श्री देवी तालाब मंदिर के आंगन में
एक अध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई जाती है जिस विच परमात्मा का ज्ञान आत्मा बारे और सहज राज योग बारे दसा जाता है। इस अलावा नशा मुक्ति के तहत भी एक प्रदर्शनी लगाई जाती है जिस विच दसा जाता है कि किस तरह असं नशे तो मुक्त हो सकते हैं और अपना टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं। एक प्रदर्शनी श्री देवी धुआ मंदिर के प्रधान श्री सत्य रवेद जी और होर सारे मेहमान सहयोग के नाल लगाई जाती है। इसलिए आप जी ने बेनती की जाती है कि आप अपना कीमती समय कढ़ के श्री देवी धुआ मंदिर के आंगन में आओ और अपनी हाजरियाँ लगाओ और ना ही इस प्रदर्शनी का लाभ उठाओ। कपूर बोन एंड चिल्ड्रन अस्पताल पठानकोट चौक जालंधर के डॉक्टर जशनीव कपूर के पिता एलआर कपूर जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म उठाला श्री देवी तला मंदिर स्थित श्री राम हाल में किया गया। इस मौके पर बबलू पंडित ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय एलआर कपूर की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, उपाध्यक्ष ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, पूर्व सीपीएस के डी भंडारी, अमित सहगल, प्रिंस ग्रोवर, डॉक्टर नवजोत धैया, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता, सुरेश गुप्ता, अनु सचदेवा सहित पारिवारिक सदस्यों में पत्नी विनय कपूर, डॉक्टर जशनीव कपूर, डॉक्टर पूजा कपूर, विकास सेंखरी, नीना सेंखरी सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय एलआर कपूर को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। लेकिन कोई कोई है आज भी संसार में ऐसे लोग विद्वान है जो अपने माँ बाप को बेअंतहा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। मैं बहुत से परिवारों को जानता हूँ जो फैक्ट्री से अपने कारोबार से आकर पहले अपने माँ बाप के साथ दो मिनट बैठते हैं उनके रूम में, फिर बीवी बच्चों पास बाद में पहुंचते हैं। धन्य है ऐसी संतान, धन्य है ऐसी औलाद, उन माँ बाप का तो जीते जी ही स्वर्ग ही रहता है अगर ऐसी औलाद हो तो, जैसे डॉक्टर साहब ने अपने बाप की, अपने पिता की बड़े निष्ठा से बड़े श्रद्धा सेवा की। ये उनका ही संस्कार है। ये बात माता पिता पर भी तो निर्भर करती है ना कि हम अपने बच्चों को दे के आ रहे हैं। ये स्वर्गीय भौजी का प्रताप है, उनकी मेहनत है, उनका संस्कार है, तो आज उन्हें ये सब कुछ रिटर्न में मिला है। सात्वी भावना से बहुत ही निम्न होकर के, बहुत नम्र होकर के समाज की सेवा में और भगवान की सेवा में और सबके साथ परोपकार लगे रहते हैं, अनुशासन देवा, तो ऐसे भी लोग समाज में है, इसलिए समाज अच्छा चल रहा है। तो ये तो अपने हाथ में है कि जीवन को हम कैसे जीना चाहते हैं, ये सब कुछ अपने हाथ में है मेरे भाई बहन। इस जीवन के दो खाते हैं, जैसे बैंक अकाउंट होता है वैसे दो खाते हैं, एक पाप का और एक पुण्य का। तो शास्त्र भी कहता है जो इंसान अपने जीते जी पुण्य वाले खाते को भर देता है उसके मरने के बाद उसको फिक्र नहीं रहती, उसका तो मुक्त होना, उसको मुक्ति मिलना ये निश्चित है। श्री शीतल विज जी, राजेश विज जी, परविंदर बहन जी और मेरे परम मेरे भाई ललित गुप्ता जी भी हमारे बीच में बैठे हैं, ये सभी डॉक्टर साहब के बहुत ही नज़दीक और बहुत ही तन मन धन से इनके साथ जुड़ने वाले परिवारों में से एक हैं। जैसे कि तवल साहब ने बताया, कपूर साहब बहुत सबसे प्रेम करने वाला, दिल में दया रखने वाला और गरीबों की मदद करने वाला परिवार, और माँ की कृपा कि इन्होंने हमारे हॉस्पिटल में भी डॉक्टर साहब ने 5-6 साल लगाए हैं और अच्छा नाम कमाया है हॉस्पिटल में भी, हॉस्पिटल को आगे ले जाने में भी इस परिवार का बहुत बड़ा हाथ है। देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान शीतल विज जी हमारे मंदिर में बैठे हैं, राजेश विज जी, रविंदर बहल जी और डॉक्टर सतपल गुप्ता जी और हमारे सभी सेवादार यहाँ पर बैठे हैं। आज हम दिल से माँ के चरणों में
अरदास करते हैं कि माँ इस पुण्य आत्मा को अपने चरणों में निवास देना और इस परिवार को ये दुख सहने का बल देना। नमस्ते, दिन का नमस्कार। मैं वरुण कपूर, श्री एलर्ट कपूर जी का छोटा पोता, आज आए आप सभी गणमान जनों का अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्यारे हंसते मुस्कुराते दादू शांति से स्वर्ग से भाग गए। आज भी उनकी याद मुझे आती है, हंसते हुए अलग ही जोश से मुझे बुलाते हुए। मुझे उनकी ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि वो बहुत ही अनुशासित थे वृद्धावस्था में भी। रोज सुबह उठकर उन्होंने व्यायाम भी करना, पूजा पाठ भी करना, संकट मोचन के पक्के भक्त थे। बहुत ही डिसिप्लिन हार्ड वर्किंग इंसान थे और खुश एंड फुल ऑफ लव। मुझे जितना सच्चा प्यार उन्होंने दिया है इस दुनिया में शायद ही कोई दे पाएगा। दादू ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि कैसे टेंशन में, प्रॉब्लम में एक स्ट्रेट फेस के साथ सब कुछ फेस करना। उन्होंने स्ट्रेंथ दी है। दादू की रिटायरमेंट हो गई थी मेरे सेकेंड या थर्ड बर्थडे पे, बट फिर भी रिटायरमेंट के बाद भी वो रोज़ हॉस्पिटल में 10 से 12 घंटे काम करते थे। उनको ज़रूरत नहीं थी ये सब करने की। पापा उनको रोकते भी थे कि आप रेस्ट करो, आप रहने दो, बट वो पूरे हॉस्पिटल की टेंशन अपने सर पे लेके रखते थे। सिर्फ कि उनके बेटा, बहू और उनके पोतों दोस्तों सब पे थोड़ी सी टेंशन कम हो सके। लास्ट के दिनों में दादू से जब मैं बात करता था, मैं सबसे पहले उनका हाल पूछता था, दादू आप कैसे हो। वो मेरी बात का भी जवाब नहीं देते थे, वो इग्नोर कर देते थे। कहते थे, बेटा तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं यहीं पर हूँ, मैं देखो डॉक्टर बन के ही जाऊँगा। और इससे मुझे पता चला कि उन्होंने हमेशा यही कहा है कि तू बस कर्म कर, सब कुछ सही होगा, और उन्होंने यही सिखाया। मोगा में नीला ग्रुप की ओर से वार्ड नंबर 13 के निवासियों के सहयोग से गणपति महाउत्सव मनाया जा रहा है। यह उत्सव 18 सितंबर से 24 सितंबर तक मनाया जाएगा, जिसके बाद हरिके में गणपति महाराज को विसर्जित किया जाएगा। मोगा से हलचल के लिए निशी मनचंदा की रिपोर्ट। जो अज का दिन आ बहुत ही वधिया आ। वार्ड नंबर 13 के जो समूह नगर निवासी आ उन्होंने सहयोग न जतेंद्र कुमार नीला जो कि मोगे शहर के उगे समाज सेवी आ, इन्होंने जोड़ा गणपति उत्सव मनाया आ उसके लोगों के देखो कितना उत्साह आ, बहुत ही खुशी की गल। बधाइया देना जी गणपति उत्सव दी। ये गणपति उत्सव 13 नंबर वार्ड टेंकी पार्क कराया जी। ये पहली बार इतने हो रहा है वार्ड 18 तो 24 तरीक चलू, 24 तरीक दसर जाना तो महल के सहयोग कराया जा रहा। गुग्गा जाहर पीर दरबार गांव नंगल शामा में वार्षिक छिंज मेला बाबा जी के भक्तों और छिंज प्रबंधक कमेटी की ओर से समूह इलाका वासियों और एनआरआई भाइयों के सहयोग से करवाया गया, जिसमें नामवर पहलवानों ने भाग लेकर अपनी कला के जोहर दिखाए। इस दौरान विजेता रहे पहलवानों को प्रबंधक कमेटी की ओर से विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। 12वीं सदी के महान सूफी संत बाबा शेख फरीद जी के 850वें आगमन पर्व के मौके पर फरीदकोट में जिला प्रशासन और बाबा फरीद सोसाइटी की ओर से संयुक्त रूप से बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसके चलते बाबा फरीद धार्मिक और विद्यक संस्थानों के चेयरमैन इंद्रजीत सिंह खालसा द्वारा बाबा फरीद अवार्ड फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी देने का ऐलान किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए इंद्रजीत सिंह खालसा ने बताया कि इस अवार्ड के लिए उनके पास बहुत सी अर्जियां आई थी, जिनमें सर्वसम्मति से समाज सेवा सोसाइटी मोगा को चुना गया है। इस सोसाइटी द्वारा सड़क हादसों में घायल हुए 40,000 से अधिक व्यक्तियों की जिंदगी बचाई गई और 370 के करीब लावारिसों के संस्कार भी किए गए। उन्होंने कहा कि 23 सितंबर 2023 को गुरुद्वारा गोदड़ी साहिब में होने वाले समागम में स्टेज पर 1,00,000 रुपए की नकद राशि, दोशाला, सिरोपा और साइटेशन देकर सम्मानित किया जाएगा। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। बाबा फरीद धार्मिक अते विद्यक संस्थावां वल्लों हर साल जो अवार्ड दिते जाने उन्हां विच्चों एक
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਅਵਾਰਡ ਫਾਰ ਸਰਵਿਸ ਟੂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸਾਰਾ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਗਾ, ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਰਾਜਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 370 ਲਾਵਾਰਸਾਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ 35,000 ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਬ ਅੰਤ ਮੇਂ ਹਲਚਲ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ। अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में पीएम विश्वकर्मा स्कीम को लेकर एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विशेष रूप से की शिरकत। मोबाइल गैजेट्स तकनीक में एसयूवी नेक्सॉन कोस्मो टाटा के शोरूम में हुई लॉन्च। 6 एयरबैग 3 बेल्ट के साथ बेहतर सुरक्षा तकनीक की प्रदान। श्री बांके बिहारी भागवत प्रचार समिति की ओर से साईंदास स्कूल की ग्राउंड में चल रही श्रीमद भागवत कथा का हुआ समापन। हजारों भक्तों ने मनाया फूल होली महोत्सव। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।